नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है भाई। आज आप लोगों को ना एक बढ़िया ज़बरदस्त ट्रैक्टर दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही रेयर ट्रैक्टर है। ये अब भारत में बहुत कम बचे हुए हैं। तो ये ट्रैक्टर है भाई जीटर कंपनी का 5511 ट्रैक्टर है, 1970 मॉडल है ये ट्रैक्टर। तो इस वीडियो में ना इस ट्रैक्टर के बारे में बताऊँगा आप लोगों को, दिखाऊँगा समझाऊँगा जितना मेरे को पता है। लगभग ट्रैक्टर ओरिजिनल है, लगभग ओरिजिनल ट्रैक्टर खड़ा है। और इसमें ना बहुत अच्छे फीचर आते थे इस ट्रैक्टर के अंदर, काफ़ी एडवांस ट्रैक्टर थे उस टाइम के हिसाब से। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जीटर एक ऐसी कंपनी है जो भारत की सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर थे। और ये ट्रैक्टर ऐसे बनाए गए थे, जब बनाने वालों ने इतना दिमाग लगा दें ट्रैक्टर को, आप इनको ना बर्फ़ में ले जाओ या फिर अपना जैसे कीचड़ में ले जाओ, रेगिस्तान में ले जाओ, हर जगह ये ट्रैक्टर कामयाब थे। इनमें इतने ज़्यादा फीचर दे रखे थे कंपनियों ने उस टाइम पे, बहुत अच्छा। जैसे डिज़ाइनिंग को लेकर रोड पे लेकर चले जाओ, रोड पे भी ट्रैक्टर कामयाब थे। इनके अंदर एक स्पेशल गियर लगाया गया था रोड के लिए भी। जो ये 5511 ना जीट्रोमेटिक है, जीट्रोमेटिक एक लिफ्ट सेंसिंग होती है जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो आप ZETR जीटोमेटिक जो होता था उसके साथ हम आता थे ट्रैक्टर। और इसमें ना जैसे मोटर पाल का पंप आता था उस टाइम पे, ये देखो मोटर पाल का पंप लगा हुआ है इसके अंदर। ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है और इसके अंदर साथ में ना कंपनी एयर कंप्रेसर देती थी बन, ताकि जब ट्रैक्टर ना जब स्टार्ट है तो आप अपने हवा बना सकते हो कहीं भी हवा बना के, और जैसे टायर में डालनी है या सफाई करनी है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है एयर कंप्रेसर। और देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इस ट्रैक्टर में ना उस टाइम पर फ्रंट एक्सल के अंदर सोकर दिए गए थे, ये देखो सोकर दे रखे हैं, ये प्रॉपर सोकर ऑब्जर्व करते हैं यहाँ जब ट्रैक्टर रोड पर चलता है गड़ या फिर अपना खेत में चलता है, तो अगले टायरों में सोकर दे दिए थे ताकि ट्रैक्टर आगे से कम उठे, और जैसे झटके वगैरह हैं ड्राइवर के कंफर्ट के लिए चीज़ें की गई थी उस टाइम पर। और एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, जैसे देखो इस ट्रैक्टर में आगे ना हिच लग रहा है, ये आप देखो हिच, अगर आप हिच में डाल के बेल चैन कुछ भी ट्रैक्टर में अगर आप झटका मारोगे ना, तो ट्रैक्टर बीच से टूटने के चांस ये मान लो 50% से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे। ये हिच इस तरीके से सोच समझ के लगाया जाता था ताकि जब इस पर झटका लगेगा ना तो पूरे ट्रैक्टर के हर नट पे प्रॉपर दबाव पड़ेगा, जिससे क्या टूटने का चांस ना मात्र रह जाता है लगभग। और सिंगल पीस बोनट के साथ में ट्रैक्टर आते थे। तो इसके ना प्लेट दिखाता हूँ आप लोगों को जीटर ट्रैक्टर की, ये देखो ये लिखा हुआ जीटर ZKL ब्रॉन मेड इन चेकोस्लोवाकिया, यह टाइप है 5511, ट्रैक्टर नंबर है 22000, प्रोडक्शन ईयर 1970, और इंजन नंबर ये यहाँ आ गया, और बाकी सारी चीज़ें मिटी हुई हैं इस ट्रैक्टर की। तो 1970 मॉडल है ये ट्रैक्टर, पर देख लो आप ये रहा 1970। और इस ट्रैक्टर में ना एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, ख़ास बात की बात आती है तो इसमें देखो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा होगा मीटर, HMT का लोगों के साथ में मीटर आता है इसमें, क्योंकि HMT के साथ जीटर कंपनी बनाए। इस मीटर में खास बात थी, ये अकेला मीटर है ना, आपको जो नीडल थी किलोमीटर भी दिखाता कितने घंटे आपका चल लिया, टेम्परेचर, एम्परेज मीटर बैटरी का, और साथ में जो नीडल थी ना इसकी, ये RPM भी बताती थी इंजन के कितने RPM है, और साथ में ना ये भी बताती थी आप कितने किलोमीटर की स्पीड पर आप चल रहे हो। और इसमें एक खास बात और थी इस ट्रैक्टर के अंदर, ये ट्रैक्टर पुश टू स्टार्ट थे उस टाइम पे 1970 में, पुश टू स्टार्ट जो आजकल कारों में आप सुनते हो ना भाई, बटन दबाओ ट्रैक्टर स्टार्ट करो, ये उस टाइम से इन ट्रैक्टरों में था। ये ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी थी इनके अंदर। और जैसे PTO की बात करें, जैसे ये हो गया भाई PTO गियर और ये हो गया हाई लो का, इसमें तो PTO गियर था ना। PTO की बात करें भाई, 4 प्रकार के PTO होते हैं, जैसे GS PTO, ग्राउंड स्पीड PTO जिसको बोलते हैं, GS PTO यानी कि गियर स्पीड PTO भी बोल देते हैं उनमें एक को, एक गियर स्पीड PTO होता है, ग्राउंड स्पीड PTO, दोनों का मैं अभी आज समझाऊंगा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और एक होता है जैसे अपना लाइव PTO जो 540 एक स्टैंडर्ड PTO जिसको कह देते हैं, एक होता है अपना रिवर्स PTO जो कि अपना उल्टा घुमाना उसको। जो GS PTO ना वो ऐसा होता था जैसे आपके टायर घूमेंगे ना वैसे PTO सॉफ्ट घूमेगी, अगर टायर रुके तो सॉफ्ट रुके, जैसे PTO ट्रॉली में चलाना अपना वैसी जगह वो काम करता था। और ग्राउंड गियर स्पीड PTO जैसे आप ट्रैक्टर में गियर डालकर अपना हम जैसे स्प्रे वगैरह मशीन पर चलाते हैं वो नॉर्मल होती चीज़ें। और आप देखो ट्रैक्टर जो लेंथ है वो भी काफ़ी लंबा है ट्रैक्टर है, और काफ़ी हैवी होते थे, काफ़ी आगे से उठने का चांस कम होता था, पीछे एक्सल पिछला रिम होगा, और जो पिछला एक्सल है ना इसका प्रॉपरली रिडक्शन के साथ में होता था। ये देखो रिडक्शन के साथ में आते थे ट्रैक्टर के टायर, ये रिडक्शन के साथ के साथ में होते थे ताकि जो हिच की पुलिंग पावर है ना वो लगभग 33 से
33% तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी लगभग, जो जितना मेरे को ध्यान है 33% आपकी पावर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी हीचिंग पावर खिंचाई का। और साथ में ना देखो इंच में क्या था, ये ऑप्शन दे रखे रबड़, देखो ये रबड़ रिंग रही और क्या है ये इंच ऐसे भी घूमता था और ऐसे भी ऊपर नीचे भी। ये देखो यहाँ पर ये प्ले दे दी यहाँ ऊपर नीचे के लिए और ये दे दी टेढ़े मेढ़े ताकि ट्रॉली के अकॉर्डिंग हिच अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल ले। और यहाँ से जैसे निकालो हिच ये नीचे गिर जाएगा, आप टॉप लिंक में आराम से चला सकते हो। पीटीओ ऑप्शन 6 स्प्लाइन का पीटीओ दिया जाता था इसके अंदर उस टाइम पे। और जो ट्रॉली जैसे अपना हैरो वगैरह के लिए हिचिंग पॉइंट ये दे रखे हैं, यहाँ होता था हिच। और ड्रॉ बार वगैरह देखो इसकी कितनी भारी हैवी क्वालिटी के लिए बना रखा है ये ट्रैक्टर पूरा। ये स्टेबलाइजर हो गया साथ के साथ में, इधर अपना ये निकाली गई है। और जो इसमें लिफ्टिंग प्रोग्राम है वो इस तरीके से यहाँ से तीन प्रकार की सेंसिंग कर सकते हो आप अपने ट्रैक्टर में। और साथ में ना ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसी के अंदर जैसे अपना पीटीओ ट्रॉली वगैरह उठानी है आपको वो भी इसी में दी जाती थी। और जो ट्रैक्टर के अंदर सेंसिंग है ना लिफ्ट सेंसिंग वो यहीं पर दी जाती थी इन्हीं में। दोनों लीवरों के अंदर सारा सिस्टम दिया जाता था, पीछे बैक लाइट आती थी और जो उसकी सीट है ना वो भी अपने आप में एक लाजवाब होती थी। और यहाँ पर टूल बॉक्स, इस टूल बॉक्स में ना यहाँ पर चार्ट आता था, अभी काफ़ी टाइम हो गया गल गया। और इस ट्रैक्टर मुडगार्ड देखो ध्यान से, ये मुडगार्ड क्या है आज तक जो ट्रैक्टर देखे वो यहाँ तक देखे होंगे आप। इसके थोड़े एक्स्ट्रा लार्ज होते थे, थोड़े ज़्यादा बड़े होते थे ताकि ना काफ़ी नीचे तक जैसे ट्रैक्टर का जो जब ट्रैक्टर चलाया है तो कोई भी डस्ट का पार्टिकल ऊपर बैठे बंदे के ऊपर ना लगा बिल्कुल भी। तो ये है भाई, और चीज़ें और बताता हूँ इस ट्रैक्टर की खास बात जीटर कंपनी की। जैसे मैं साथ और ये जो कंबिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिटी, ये एक ट्रैक्टर में नहीं, जीटर का आप कोई भी ट्रैक्टर उठा लो जीटर HMT का, सभी ट्रैक्टरों में तेरी खास बात होती है डबल क्लच के साथ में आते थे ट्रैक्टर स्टार्टिंग से ही। इन ये ट्रैक्टर कोशिश की गई थी जो कहते हैं ना कंप्लीट ट्रैक्टर, ये कंप्लीट ट्रैक्टर था। जमींदार भाई एक बार ट्रैक्टर ले ले तो वो जैसे बर्फ़ में चलाए, रेगिस्तान में चलाए, कीचड़ में चलाए, सूखे में चलाए, कहीं चलाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात पीटीओ पर चलाए, हैरो में चलाए, किसी मशीन पर चलाए, ट्रेंच मशीन पर चलाए, उसके हिसाब से गियर भी बहुत स्लो स्पीड दे रखी थी और हाई स्पीड भी थी। जैसे रोड पर भी चलाएगा तो भी ट्रैक्टर की जो 40 प्लस स्पीड उस टाइम पर आती थी तो मान के चलो तो कंपनी देती थी इतनी स्पीड, तो क्योंकि उस टाइम पर ट्रैक्टर जैसे एक मात्र साधन भी होता था, पर ट्रैक्टर भी एक साधन होता था जमींदार भाइयों के लिए आने जाने ट्रांसपोर्ट का साधन, तो उसके हिसाब से डिज़ाइन कर रखा था सारी चीज़। और जो गियर लीवर है वो यहाँ पर होता है इसका अपना गियर लीवर अपना सब प्रॉपर तरीके यहाँ पर, और ये हाथ वाली रेस। और मोटर पाल पंप के बाद बताऊँगा आपको। और इसके जो ब्रेक की बात करें, प्रेशर के ब्रेक होते हैं इसके अंदर, जैसे आपने जैसे कारों में ट्रकों में होता है अपना वो ब्रेक इस टाइम उस टाइम पर दे रखे जो आज भी किसी ट्रैक्टर में नहीं आते। अपने इंडिया में आते हैं तो किसी मॉडल में आते हैं वो, लेकिन आम जनता में आप लोगों को इसके ब्रेक जैसे ब्रेक देखने को नहीं मिलेंगे ट्रैक्टरों में, बिल्कुल एकदम दबा दिया तो दबा दिया और बिल्कुल सॉफ्ट रहते थे। सबसे बड़ी बात ये देखो यहाँ पंप लगे, यहाँ प्रेशर गया, तेल ने दबा दिया, सीधा बंद ट्रैक्टर, टायर जाम बिल्कुल एकदम। ये पैर वाली रेस होगी और इसमें साथ में यहाँ बैटरी बॉक्स दे दिया और ये डिफरेंशियल लॉक भी आता था इसके साथ में, ये डिफरेंशियल लॉक होगा ताकि आप लोग। और जो सीट है देखो सीट एडजस्टेबल, एडजस्ट भी कर सकते हैं हम इसको ऊपर नीचे, और अपना बढ़िया तरीके से बैठने के लिए इसमें सोकर दे रखे थे। और देखो यहाँ पर ना लिफ्ट पे ऑप्शन पे लिख रखे हैं हर जगह, ये सारी चीज़ें लिख रखी थी। अभी मीटिंग के समय के हिसाब से साइलेंस वो हो गया, स्टेयरिंग हो गया, और इधर अपना स्लप हो गई है, और इसमें अल्टरनेटर लगे हुआ, डायनमो नहीं है अभी। और इसमें ये इंजन ऑयल फिल्टर था, इस ऑयल फिल्टर का क्या फ़ायदा है, इसको आप खोलो साफ़ करो दोबारा लगा दो बस छुट्टी, जमींदार को फिल्टर बदलने का खर्चा बच गया। और जो इसके अंदर जो एयर क्लीनर होता था 3D डायमेंशन जो कहते हैं ना 3D 4D एयर कूल्ड सिस्टम है, ये 3 डायमेंशन के साथ में स्टार्टिंग से ही था। 3 डायमेंशन क्या बोलते हैं, जैसे तीन दिशाओं से तो सामने से आई हवा और इधर से भी हवा आई, जिसमें ट्रैक्टर प्रॉपर ठंडा रहता था। और जो इसमें एयर क्लीनर है वो अंदर दे रखा है, ऑयल बाथ एयर क्लीनर आता है इसके अंदर, रेडिएटर जो भी है, ट्रैक्टर बहुत अच्छा है भाई। जैसे जिन बंदों ने थोड़े से ध्यान लगा के ट्रैक्टर चलाए हैं तो वो ट्रैक्टर तो इन ट्रैक्टरों को फिर उन्होंने कभी इन ट्रैक्टरों ने कभी जमींदारों को मरने ही नहीं दिया, धोखा ही नहीं दिया। ट्रैक्टर इतने शानदार इतने अच्छे बनाए गए थे, ये इतना सोच के बना रखे थे ट्रैक्टर। आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ में होते थे और ट्रैक्टर जैसे पावर चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी खास बात एक और बता देता हूँ अपने जमींदार भाइयों को, जो इस ट्रैक्टर में मोटर पाल पंप, जिस ट्रैक्टर में मोटर पाल पंप है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। और डीजल खर्चा बहुत कम है मोटर पाल पंप वाले ट्रैक्टर का, जो बाद में इनलाइन पंप आए उनका डीजल खर्चा बढ़ गया था ना कि घटा था। और साथ में एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर का क्या फ़ायदा भाई, ट्रैक्टर को साफ करना, हवा बनाओ ट्रैक्टर को साफ कर लो, आपने धोया है पानी को हटाने के लिए हवा मारते हैं तो वो फ़ायदा। दूसरी बात टायरों में हवा भरनी है,
अब आप खेत में जैसे ट्रॉली भर के ट्रॉली लेके गए हो, या फिर चलो आप ट्रॉली लेके चले खाली, जैसे खेत से भर के ट्रॉली लेके आ रहे हो, लेकिन आपने सोचा मैं खेत जुताई भी कर दूँ, तब तक वहाँ खेत में हैरो पड़ी है, तो हैरो की जुताई के लिए हमें टायरों की हवा कम करनी पड़ती थी, पड़ती है, आपने हवा कम कर दी, लेकिन उसके बाद जाते टाइम आपने ट्रॉली लेके जानी है, तो ट्रॉली में फिर हवा ज़्यादा चाहिए, तो अब ये तो है नहीं, आप शहर में जाओगे दोबारा, फिर गाँव में जाओगे हवा भरवाओगे तब वापस आओगे, तो ट्रैक्टर कंपनी में एयर पर ऐसे यहीं दे दिया, अपना जैसा गाना बजेगा ना वैसा ही डांस कर दो, बस जैसा भी माहौल हो ना वैसी ही उसी तरीके से अपने ट्रैक्टर के अंदर हवा डालो, और सफाई का काम करना, और बहुत सारे घरेलू काम में भी आप इसको यूज कर सकते हो, गुब्बारे गुब्बारे फुलाने हैं, या फिर कोई और साफ़ चीज़ करनी है, कुछ मशीन को साफ़ करना है, अपना पीछे जो इम्प्लीमेंट हो जा उनको साफ़ करना, बहुत काम की चीज़ें हैं ये ज़मींदार भाई उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। साइलेंसर का पता नहीं भाई, ये शायद लगता तो नहीं ओरिजिनल होगा, बाकी समय है भाई कुछ भी हो सकता है चीज़ों, क्योंकि है तो ये वेल्ड इसके साथ में, ये वेल्ड हो रखा है, हो सकता है बाद में इन्होंने किसी ने करवा दिया वेल्ड, और ये डीजल टैंक आ गया अपना, और इसमें ये होगी कैप इसकी, अपनी डीजल कैप होगी, और सिंगल पीस बोनट में आता था ट्रैक्टर, ये देखो चार सिलेंडर होता था सिंगल पीस बोनट के साथ में, ये है चीज़ जिसने जिसने ट्रैक्टर लिया है वो कभी भी मार खाएगा ही नहीं, इतना कामयाब ट्रैक्टर चीज़ बनाई थी जमींदार भाइयों के लिए, और ये सरकारी कंपनी थी, आज के टाइम में जैसे अभी कंपनी बंद होगी 2018 में इन्होंने कबाड़ भी सेल करवा दिया था, वैसे गवर्नमेंट की कंपनी है, वह जमींदार भाइयों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और इस ट्रैक्टर को दोबारा लाना चाहिए मार्केट में, इसके ना आने के कारण, जो मेरी अपनी खुद की समझ है। अब जब ये ट्रैक्टर थे, एक तो ट्रैक्टर कंपनियों के रेट फिक्स होते थे, ज़्यादा रेट बढ़ने नहीं देती थी, और एक ये कंप्लीट ट्रैक्टर होता था जमींदार के लिए, सारे फीचर फंक्शन इसके अंदर होते थे। आजकल आप ट्रैक्टर लेने चले जाओ, ये फंक्शन है जी, उसके लिए आपको दूसरा मॉडल लेना पड़ेगा, दूसरे मॉडल में वो एक अलग चीज़ है, जो पहले में है वो दूसरे में, जो दूसरे में पहले में नहीं, तो ऐसे कर करके कंपनी अपना ठीक है, जो भी चल रहा है उनका अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और देखो पीछे अपना सारा ट्रैक्टर प्रॉपर सॉलिड बनाते थे, ऐसे नहीं कोई भी चीज़ कमज़ोर लगा दी, और इसमें 16x28 का टायर आता था पिछला, 16x28 के टायर के साथ में, और यहाँ एक्स्ट्रा वेट भी लगा सकते हो आप, बकायदा यहाँ पे कीचड़ वगैरह ना फंसे, ये रिम में भी दिमाग लगा रखा है उन बंदों ने बनाने के लिए, मतलब कि देखो कंपनी वो भी लगाती हैं आज भी, जो लोग वो भी लगाती हैं दिमाग, तो ऐसी बात नहीं है बकायदे वो दिमाग नहीं, लेकिन इन्होंने उस टाइम से ये काम इतना कुछ काम कर दिया था। और फ्रंट रिम देखो इसका, फ्रंट रिम का डिज़ाइन देखो कितना बढ़िया, आज भी देखो HMT का लोगो लगा हुआ इसके ऊपर हब पे। तो भैया ही था ये चीज़ दिखाना चाह रहा था, आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये मैंने भी पहली बार देखा है 5511, और इसके पता नहीं स्टार अंदर है ना, देखो यहाँ अलग से अब मैं अलग से प्लेट लग रही है कि ये पता नहीं हो सकता भाई, जैसे इसको ब्रेक एज ए ब्रेक भी यूज कर सकते हैं हम, इसको पता नहीं किस कारण लगा रखी है, इस रिम में नहीं दोनों रिमों में है ये समझो, इस रिम में है दोनों रिम के अंदर है, देखो ये प्लेटरी, ये अपना सोकर हो गया, दोनों तरफ सोकर हो गया, इसकी सील होगी, और एडजस्टेबल एक्सल था ये इसका फ्रंट एक्सल, आप जैसा चाहो वैसा अपना डोजर वगैरह में भी यूज कर सकते हो, कंप्लीट ट्रैक्टर जिसको कहते हैं ना, वो कंप्लीट ट्रैक्टर था ये, जिसको इसमें कोई कमी थी ही नहीं इस ट्रैक्टर के अंदर। तो भाई यही था, यही बताना चाह रहा, दिखाना चाह रहा था, और ये ट्रैक्टर सेल के लिए नहीं है भाई, कोई भाई जो सोचे ये ट्रैक्टर सेल के लिए नहीं, कहीं ये ट्रैक्टर सेल के लिए नहीं है, ये ट्रैक्टर HMT 5511 1970 मॉडल। तो भाई जैसी वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बता देना, और मेरे से जो गलती हुई माफ़ कर देना, और भाई वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, थैंक यू दोस्तों।